क्वेश्चन मेरे पास अगेन फर्स्ट ऑर्डर क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके पास y इंटू डेल यू ओवर डेल x माइनस x इंटू डेल यू ओवर डेल y इक्वल्स टू जीरो, और आपके पास पूछा हुआ हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इन अ नेबरहुड ऑफ कर्व, और g आपके पास कंडीशन है u ऑफ इक्वल्स टू g ऑन कर्व आपके पास tau, और tau आपके पास कोई भी कर्व है, उस किस कर्व पे आपके पास दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए p आपके पास y है, तो p इक्वल्स टू आपके पास x नॉट y नॉट z नॉट q ऑफ x नॉट y नॉट z नॉट dx नॉट ओवर dt d by नॉट ओवर dt। तो जैसे आपके पास अगर ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो तो आपके पास गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है t, x की जगह आपने t, y की जगह जीरो, और आपके पास u की जगह, हमें u की नीड नहीं होती, तो जब यहाँ मैं वैल्यू यूज करूँगा तो आपके पास p की वैल्यू क्या है y, और q की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस x। तो जब यहाँ पुट करूँगा तो आपके पास क्या मिलेगा, फर्स्ट जीरो, सेकेंड q की जगह आपके पास क्या यूज करना है माइनस x, तो वो क्या मिलेगा माइनस t, इसका डेरिवेटिव वन, इसका डेरिवेटिव जीरो, तो ये क्या मिलेगा आपके पास t, और आपके पास फर्स्ट ऑप्शन में जो t है यानी कि x है आपके पास ग्रेटर देन जीरो, तो t भी आपके पास क्या रहेगा ग्रेटर देन जीरो, तो ये डिटर्मिनेंट कभी भी आपके पास जीरो नहीं होगा। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन ट्रू होगा। सेम वे से आपको वेरीफाई करना है b c एंड d, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो c एंड d आएगा, तो आंसर आपके पास c एंड d ऑप्शन अगेन ट्रू होंगे, तो a आपके पास यहां से ट्रू है, तो आंसर इज a c एंड d, आप वेरीफाई कर सकते हैं सेम वे से, तो c और d ऑप्शन और आपके पास ट्रू होंगे, तो आंसर इज a c d।